हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च किए गए इन्फिनिक्स 020 का। ये जो स्मार्टफोन है रिसेंटली इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च किया गया है एंड पिछले 5 से 6 दिनों से ये जो स्मार्टफोन है ये मेरे पास में है एंड पिछले 5 से 6 दिनों में मैंने इस फोन को अच्छे खासे तरीके से टेस्ट किया है एंड लेट मी टेल यू गाइस, इस फोन के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। लाइक यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है वो 60 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड नॉट ओनली 60 मेगापिक्सल्स, यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 45 वॉट की चार्जिंग मिलती है और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो आज की वीडियो में करते हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू एंड मैं आपको बताऊंगा भाई कि इन 5 से 6 दिनों में मेरे जो अनुभव थे इस फोन के साथ में कैसे रहे। बिना किसी देरी के फटाफट से रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिव्यू को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले डब्बा खोल कर लेते हैं इन्फिनिक्स 020 का। तो कुछ इस तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स में आपको ये फोन दिया गया है। जनरली अगर इन्फिनिक्स का देखा जाए तो थोड़े से एग्रेसिव बॉक्स होते हैं, ब्लैक कलर ग्रीन कलर होता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमल बॉक्स का यूज किया गया है जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं एंड देखते भाई बॉक्स कॉन्टेंट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपना फोन रखा हुआ मिल जाता है जिसको थोड़ी देर के लिए अपन साइड में रखते हैं एंड पहले देख लेते हैं कि बॉक्स कॉन्टेंट्स यहाँ पर आपको क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक 45 वॉट का चार्जिंग दिया गया है। उसी के अलावा अगर देखा जाए तो टाइप ए टू टाइप सी केबल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। सिम इजेक्टर पिन यहां पर आपको दिया गया है। साथ ही में अगर देखा जाए तो कुछ पेपर वर्क यहां पर आपको दिए गए हैं। साथ ही में आपको एक वेलकम टू एक्स क्लब वाला कार्ड देखने के लिए मिलता है एंड एक यहां पर आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है। तो ये हो गए बॉक्स कंटेंट। बॉक्स कंटेंट को कर देते हैं साइड में एंड फटाफट से अपने फोन को रैपर से बाहर निकालते हैं एंड बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहां पर आपको प्लास्टिक का बैक देखने के लिए मिलता है, मेटालिक फ्रेम यहां पर आपको दिया गया है, ग्लास फ्रंट यहां पर आपको मिलता है। कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है ऑनेस्टली इन्फिनिक्स की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो फोन है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आपको काफी पसंद आएगी। बैक में जो प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है ये मैट फिनिश पर आता है, कोई भी फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं लगते हैं एंड इन हैंड फील काफी बढ़िया रहता है, काफी प्रीमियम सा फील होता है एंड मेटालिक फ्रेम होने के कारण प्रीमियमनेस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। वैसे अगर इन हैंड फील की बात करें तो बहुत ज्यादा आपको हेवी वेट भी नहीं लगता है, 195 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है एंड वेट मैनेजमेंट भी फोन का अच्छा है। हाँ, जो फोन की ग्रिप है थोड़ी सी वाइड है तो पकड़ने में आपको हल्का सा अनकंफर्ट लगता है एंड फ्लैट फ्रेम्स यहां पर दी गई है तो कंफर्टनेस जो है वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं रहती है। सिम ट्रे वगैरह भी जो यहां पर दी गई है उसमें प्रॉपर रबर गैस्केट आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब स्प्लैश प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया है। हालांकि कौन सी रेटिंग दी गई है वो चीज नहीं बताई गई है, लेकिन हाँ प्रॉपर गैस्केट वगैरह का यूज किया गया है। तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आने वाली। और डिजाइन की अगर बात करेंगे तो बैक पैनल से काफी गुड लुकिंग स्मार्टफोन है, बैक पैनल में जो मटेरियल है काफी प्रीमियम लगता है, कैमरा प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रंट से जब आप देखते हैं तो यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है जो कि थोड़ी सी ओल्ड स्कूल लगती है। बेजल्स जो है वो ठीक ठाक साइज के आपको मिलते हैं, ठीक ठाक साइज की चेन मिल जाती है। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन अच्छी है, ज्यादा शिकायत आपको उसमें नहीं आने वाली है। इसके बाद में डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड सुपर एमोलेड पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहली बात, काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले है तो सिंगल हैंड यूसेज जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं उनको आप सिंगल हैंड एक्सेस नहीं कर सकते हैं, दो हाथ से आपको चलाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है फ़ोन, लेकिन कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। बड़ा डिस्प्ले होने के कारण सारी चीजें आपको बड़ी बड़ी दिखती है, लिटरली यहां पर कलर्स वगैरह आपको काफी बढ़िया दिए गए हैं, काफी शार्प कलर्स एंड पंची कलर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। विविड कलर प्रोफाइल के साथ में कंटेंट वॉचिंग का अलग एक्सपीरियंस रहता है जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है। व्यूइंग एंगल्स बढ़िया है, सारी चीजें अच्छी है तो कंटेंट वॉचिंग में आपको दिक्कत नहीं आती है। यूट्यूब पर आप 1440 पिक्सल्स में वीडियोस प्ले कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी यहां पर आपको दिया गया है एंड Amazon पर Netflix पर फुल HD में आप कंटेंट देख सकते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ यहां पर जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड जो कि स्मूथ फील कराता है। इसको आप 90 हर्ट्ज पर भी सेट कर सकते हैं, 60 हर्ट्ज पर भी चला सकते हैं या फिर आप ऑटो स्विच पर भी रख सकते हैं एंड स्मूथनेस आपको मिलती है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो इंडोर विजिबिलिटी तो काफी अच्छी है, आउटडोर विजिबिलिटी डायरेक्ट सनलाइट में भी मैंने इस फोन को यूज करा एंड प्रॉपरली विजिबल डिस्प्ले रहता है, तो विजिबिलिटी की भी दिक्कत यहां पर आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती है एंड डिस्प्ले क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी शिकायत
शायद नहीं आने वाली है। इसके बाद में परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इस फोन को शक्ति प्रदान करता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर। और G99 जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स में टेस्ट कर लिया है। रिसेंटली मैंने इसको टेस्ट किया था मोटोरोला G72 के साथ में, एंड लिटरली भाई साहब इस फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया निकल के आती है। ये जो चिपसेट है 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट है और हीटिंग का इशू बहुत ही कम देता है। इस फोन में मेरे को कोई भी ओवरहीटिंग की दिक्कत देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ यहां पर आपको 3-लेयर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, तो थर्मल मैनेजमेंट फोन का काफी बढ़िया रहता है और डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। नॉर्मल एप्लीकेशन स्विचिंग आपको करना है, डे टू डे लाइफ में जिस प्रकार से आप अपने फोन को यूज करते हैं वहां पर आपको बिल्कुल भी शिकायत ये फोन नहीं देता है एंड स्मूथ परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। हाँ, हम जिस हिसाब से टेस्ट करते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो यहां पर मैंने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन किया था बैक टू बैक 3 बार एंड फर्स्ट टाइम में ये जो फोन है 93% की परफॉर्मेंस पर थ्रॉटल किया था, सेकंड टाइम में 94% एंड थर्ड टाइम में भी 94% की परफॉर्मेंस पर थ्रॉटल किया था। एंड ये जो परफॉर्मेंस है लगभग 155,000 GIPS की परफॉर्मेंस पर आपको मिली थी। इसके बाद में मैंने रन किया था एंटूटू टेस्ट, वो भी बैक टू बैक 3 बार और स्कोर्स की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम में स्कोर आया था 375,708 पॉइंट्स, सेकंड टाइम में स्कोर आया था 371,939 पॉइंट्स एंड थर्ड टाइम में जो स्कोर आया था वो आया था 375,464 पॉइंट्स एंड लास्ट में मैंने रन किया था गीक बेंच टेस्ट और यहां पर जो स्कोर्स निकल के आए थे वो थे सिंगल कोर में 549 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर में स्कोर निकल के आया था 1796 पॉइंट्स। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में काफी बढ़िया स्मार्टफोन है एंड डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया निकाल के देता है। इसके बाद में गेमिंग की अगर बात करें, BGMI सेटिंग्स की अगर बात करें तो लिमिटेड ग्राफिक्स सेटिंग्स यहां पर आपको मिलती है, बहुत ज्यादा हाई सेटिंग पर तो आप गेम नहीं खेल सकते हैं। 40 FPS की गेमिंग हो जाती है, स्मूथ प्लस बैलेंस के साथ में आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है और HD के साथ में आपको हाई का ऑप्शन मिलता है, मतलब 40 FPS की आप गेमिंग कर सकते हैं नॉर्मल ग्राफिक्स पर एंड गेमिंग अच्छी हो जाती है। भाई साहब मैंने इसके साथ में काफी ज्यादा गेमिंग करी है एंड गेमिंग का एक्सपीरियंस मेरा लिटरली काफी बढ़िया रहा, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने के लिए नहीं मिले, कोई भी स्टटर्स देखने के लिए नहीं मिले एंड इन ऑल टोटल जो गेमिंग का एक्सपीरियंस था फॉर अ कैजुअल गेमर काफी बढ़िया रहा। रैम मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो टाइम है वो भी यहाँ पर आपको काफी फास्ट मिल जाता है। सो यस, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज ये जो स्मार्टफोन है काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आती है। इसके बाद में बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। रेयर में आपको 3 कैमरास का सेटअप दिया गया है, जहां पर प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, साथ ही में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है एंड 2 मेगापिक्सल का आपको एक छोटू देखने के लिए मिलता है एंड फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। सबसे पहले रेयर कैमरा आउटपुट की अगर बात कर लें, रेयर कैमरा आउटपुट मुझे इस फोन के पसंद आए हैं, कलर्स वगैरह काफी अच्छे यहां पर आपको मिलते हैं, डिटेल्स इमेजेस के अंदर काफी बढ़िया रहती है, डायनामिक रेंज भी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है एंड ओवरऑल जो इमेज की क्वालिटी है नॉर्मल डे लाइट में काफी अच्छी डिटेल्स के साथ में काफी बढ़िया निकल करके आती है एंड हल्की फुल्की लो लाइट कंडीशन में भी ठीक ठाक इमेजेस यहां पर निकल आती है। हां, उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलती है लेकिन फिर भी जो इमेज की क्वालिटी है वो बढ़िया रहती है। 108 मेगापिक्सल जब आप ऑन कर लेते हैं तो आपको काफी हाई डेफिनेशन इमेजेस देखने के लिए मिलती है जिनको काफी ज्यादा जूम भी आप कर सकते हैं एंड यस, नॉर्मल डे लाइट की अगर बात करें अच्छी लाइटिंग कंडीशन में इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। हाँ, नाइट की अगर बात करेंगे तो नाइट की इमेजेस भी डिसेंट निकल करके आ जाती है एंड यहां पर आप देख ही सकते हैं भाई कि नाइट इमेजेस के जो आउटपुट है वो किस प्रकार के निकल करके आते हैं। इसके बाद में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की अगर बात करेंगे तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा कूल टिंट पर रहता है, जो प्राइमरी कैमरा का आउटपुट है वो थोड़ा सा वार्म निकल के आता है लेकिन आप अल्ट्रा वाइड पर जब स्विच करते हैं तो थोड़ा सा कूल टिंट आपको देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज डिटेल्स वगैरह वहां पर भी आपको अच्छी मिल जाती है, डायनामिक रेंज भी अल्ट्रा वाइड के साथ में आपको डिसेंट मिल जाती है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है आपको रेयर कैमरा के साथ में एंड EIS का सपोर्ट मिलता है, यहां पर आपको OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है लेकिन EIS के सपोर्ट के साथ में वीडियो क्वालिटी जो है वो बढ़िया बन जाती है, डिसेंटली स्टेबल वीडियोस आपको मिल जाते हैं एंड वीडियोस की प्रोफाइल भी काफी अच्छी है, कलर्स डायनामिक रेंज ये भी आपको बढ़िया मिल जाती है। नाउ इसके बाद में बात करते हैं इस फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में।
60 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहाँ पर दिया गया है जो कि OIS के साथ में आता है। एंड सेल्फी कैमरा का जो आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया निकल करके आता है। इमेजेस में कलर्स आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। स्किन टोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा नेचुरल भी नहीं है, लेकिन अच्छी स्किन टोन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इमेज में डिटेल्स आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, कलर्स बढ़िया है, डायनेमिक रेंज आपको अच्छी मिलती है, शार्पनेस अच्छी मिल जाती है। हाँ, बैकग्राउंड लाइट को कंट्रोल करने में इसका जो कैमरा है वो कहीं कहीं स्ट्रगल करता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आपके पीछे से आती है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। अदरवाइज इसका जो सेल्फी कैमरा है वो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है नॉर्मल डे लाइट में। जब आप लो लाइट कंडीशन में जाते हैं या नाइट में कैप्चर करते हैं तो इमेजेस अच्छी निकल करके आती हैं, लेकिन डिटेल्स आपको उतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके बाद में पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड अच्छी तरीके से काम करता है, बैकग्राउंड ब्लर अच्छे तरीके से कर देता है, लेकिन अपडेट्स की ज़रूरत है क्योंकि जो चश्मे की एजेस हैं उनको डिटेक्ट अभी भी नहीं कर पाता है। इसके बाद में सेल्फी वीडियोज़ की अगर बात करेंगे तो वीडियोज स्टेबल निकल करके आते हैं, OIS का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, साथ ही में AIS भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देख ही सकते हैं, बढ़िया तरीके से इसके वीडियोज़ काम करते हैं। फ्रंट कैमरा से भी आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर कैमरा आउटपुट की बात करें तो रेयर कैमरा का जो आउटपुट है वो आप कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम रेडी आउटपुट निकल करके आते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलर्स आपको पंची देखने के लिए मिलते हैं तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड सेल्फी कैमरा का आउटपुट भी बहुत बढ़िया निकल करके आता है। सो यस, कैमरा मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करेंगे तो 4500 एमएएच की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। 45 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 45 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। इस फोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज होने में तकरीबन 51-52 मिनट के आसपास लगते हैं। 52 से 55 मिनट्स आप मान सकते हैं, कभी कभी 50 मिनट्स में भी हो जाता है, कभी कभी 55 भी ले लेता है। ऑन एन एवरेज 52 मिनट्स के आसपास लगते हैं। एंड बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 1.5 दिन का बैकअप ये फोन आपको निकाल करके दे देगा नॉर्मल डे टू डे टास्क में। एंड बहुत ज्यादा इंटेंस यूज अगर आप करते हैं तो 8 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम ये फोन आपको निकाल करके दे सकता है। सो यस, मेरे हिसाब से इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है, हां आपको थोड़ी सी छोटी लग सकती है, 5000 एमएएच यहां पर लगाई जा सकती थी क्योंकि जो फोन का प्रोफाइल है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फास्ट चार्जिंग होने के कारण यहां पर जो सेल है वो थोड़े से डिवाइड कर दिए जाते हैं एंड सेल के डिवीजन होने के कारण जगह थोड़ी सी ज्यादा घेर लेता है। सो यस, मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप बढ़िया है। 6 नैनोमीटर का चिपसेट है जो कि ऑलरेडी एनर्जी एफिशिएंट है, तो बैटरी बैकअप में आपको शिकायत नहीं आती है। इसके बाद में बात करेंगे यहां पर बायोमेट्रिक्स के बारे में, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको दिया गया है जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, एकदम फास्ट एंड एकदम एक्यूरेट तरीके से काम करता है। एंड फेस अनलॉक की भी अगर बात करेंगे तो फेस अनलॉक भी यहां पर बढ़िया तरीके से काम करता है, फास्ट है, एक्यूरेट है, फटाक से अनलॉक कर देता है। सो बायोमेट्रिक्स में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बाकी सारे सेंसर्स की अगर बात करें तो लगभग सारे सेंसर्स यहां पर अवेलेबल हैं एंड लगभग सारे सेंसर्स अच्छे तरीके से काम भी कर जाते हैं, तो सेंसर्स वगैरह में आपको कमी देखने को नहीं मिलती है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर प्राइमरी स्पीकर ग्रिल यहां पर आपको नीचे की तरफ दिया गया है एंड सेकेंडरी स्पीकर ग्रिल यहां पर आपको ऊपर की तरफ डेडिकेटेडली दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल सुना देता हूं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि ऑडियो आउटपुट कैसा है। तो भाई साहब, ऑडियो आउटपुट वैसे अगर देखा जाए तो अच्छा है, लाउड है, बैलेंस्ड है, प्रॉपरली ट्यून्ड आपको मिलता है, DTS की ट्यूनिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है, लेकिन ऊपर का जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। आप ये बोल सकते हो भाई साहब कि 70-30 की वॉल्यूम निकल करके आती है, 65 आप मान सकते हो, 65% नीचे की तरफ से, 35% की जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ से आती है। बाकी अगर देखा जाए तो साउंड क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर क्वालिटी बढ़िया दी गई है, उसमें आपको शिकायत नहीं आने वाली है। ओवरऑल फोन का जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो आपका बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद में OS की अगर बात करेंगे तो Android 12 गया है आउट ऑफ द बॉक्स, साथ ही में आपको मिलता है XOS 12 जो कि काफी सारे ब्लोटवेयर्स के साथ में आता है एंड बहुत सारे ब्लोटवेयर्स ऐसे हैं जो अनइंस्टॉल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन काफी सारा ब्लोट इसके अंदर रखा हुआ रहता है, तो ये एक दिक्कत XOS के साथ में हमेशा से रहती है। XOS 12 की अगर बात करें तो यहां पर आपको कुछ नए एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, प्लस यहां पर आपको फीचर्स भी काफी सारे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हां थोड़े से एड्स वगैरह के साथ में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ब्लोटवेयर्स हैं, एड्स हैं, बाकी अगर देखा जाए तो फीचर UI भी है, यहां पर आपको फीचर्स भी काफी सारे देखने को मिलते हैं। सो यस, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका डिसेंट रहेगा। यहां पर इन्फिनिक्स ने प्रॉमिस किया है कि एक साल का एंड्रॉइड अपडेट, मतलब एंड्रॉइड 13 का अपडेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा और 2 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करें प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की तो कोई भी UI लैग्स वगैरह मुझे इस फोन के साथ में देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है एक्सेप्ट ब्लोटवेयर्स एंड एड्स, बाकी सारी चीजें मुझे बढ़िया लगी है, तो वहां भी आपको शिकायत नहीं आने वाली है। ओवरऑल अगर बात करें एज अ
पैकेज देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है एज अ पैकेज काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। हाँ, एक चीज की कमी आपको यहाँ पर लग सकती है जो कि है 5G कनेक्टिविटी की कमी। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये जो स्मार्टफोन है कैसा स्मार्टफोन है, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।